हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे असिंक्रोनस डाउन काउंटर की विद पॉजिटिव ट्रिगरिंग। तो अब तक हम क्लॉक इधर लेके कर रहे थे, तो क्लॉक अब एक बार इधर लेके भी करते हैं ताकि हमारा दोनों क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लॉक कभी कभी इधर दे देता है, कभी इधर दे देता है। तो एक बार क्लॉक इधर लेके करते हैं, तो हमें जे के फ्लिप फ्लॉप लेना है कैस्केडेड मैनर में, और जे के को शॉर्ट कर देना है एक्टिव पॉजिटिव बीसीसी से, जिससे कि ये टॉगल हो जाए जे इक्वल टू के इक्वल टू वन टॉगल कंडीशन। दूसरा हमको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है तो बबल नहीं होगा, और डाउन काउंटर है तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग में मान लीजिए ये ए है, बी है, ये सी है, क्यू ए, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, क्यू बी, क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी कॉम्प्लीमेंट। डाउन काउंटर है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग में अपर पार्ट को कनेक्ट करते हैं डाउन कनेक्टेड डाउन काउंटर बनाने के लिए। अगर हमें अप काउंटर बनाना होता पॉजिटिव ट्रिगरिंग में, तो हम क्यू सी कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करते हैं क्यू बी के क्लॉक इनपुट के लिए। ओके, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बी सी। अब देखिए, हमको पता है कि ये डाउन काउंटर है, तो इसलिए अगर आप फास्ट तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ इनिशियली वन वन ले लीजिए और कोड लिख दीजिए डाउन कनेक्टेड डाउन करते हुए, धीरे धीरे वैल्यू को वन वन बिट कम करते हुए। जैसे सेवन का कोड है, सिक्स का कोड लिख दीजिए, फाइव का कोड लिख दीजिए, फोर का, थ्री का, टू का, वन का, जीरो का। सिक्स का कोड जीरो वन वन, फाइव का वन जीरो वन, फोर का वन जीरो जीरो, थ्री का जीरो वन वन, टू का जीरो वन जीरो, वन का जीरो जीरो वन, जीरो का जीरो जीरो जीरो, और फिर से ये होता रहेगा। तो यहाँ क्लॉक देना पड़ेगा पॉजिटिव ट्रिगरिंग। ओके, अगर इसको हम समझना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो देखिए जब यहाँ वैल्यू वन होगी तब ये एक्टिव होगा। तो देखिए, जब जब सी की वैल्यू वन हो रही है, जब जब सी की वैल्यू वन हो रहा है, इसमें देखते हैं जब जब सी की वैल्यू वन है तो ये टॉगल हुआ। ओके, फिर यहाँ देखिए ये वन है सी की वैल्यू, तो ये टॉगल हुआ। यहाँ देखिए सी की वैल्यू वन है तो ये टॉगल हुआ। उसी तरीके से क्यू बी की वैल्यू जब वन होगी तब ये टॉगल होगा। ये देखिए ये जीरो से वन हुआ तो ये भी टॉगल हुआ। तो इसी सीक्वेंस में ये आगे चलता रहेगा। ए टॉगल तब होगा जब क्यू बी की वैल्यू वन होगी। ओके, तो हम इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। ये क्लॉक हो गया एक्टिव हाई का केस है, तो ये जब हमारा क्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तब एक्टिव होगा, टॉगल कंडीशन तब आएगा, फ्लिप फ्लॉप टॉगल तब करेगा। तो सी को बनाते हैं हम,
सी इनिशियली मान लीजिए हाई है, इनिशियली मान लीजिए ये जीरो जीरो था तो ये इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन से शुरू करते हैं हम, ये जीरो था मान लीजिए, फिर ये वन में गया, वन जीरो वन जीरो वन जीरो, तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, इस तरीके से चलता रहेगा। बी के लिए बनाते हैं हम, जीरो भी इनिशियली जीरो है, मगर बी के लिए जो क्लॉक है वो क्यूसी से आ रहा है, तो ये काम करेगा बी के लिए क्लॉक का। तो ये जीरो से स्ट्रेट टॉगल कब कब होगा, इसमें यहाँ 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 और यहाँ, यहाँ पे टॉगल हुआ, यहाँ टॉगल हुआ, यहाँ टॉगल हुआ, यहाँ टॉगल हुआ। तो सी सी के लिए बी एज ए क्लॉक काम कर रहा है, तो यहाँ टॉगल होगा, यहाँ टॉगल होगा, यहाँ टॉगल होगा, तो यहाँ टॉगल हुआ, यहाँ टॉगल हुआ और यहाँ टॉगल हुआ। मान लीजिए और एक कनेक्ट होता, जे के शॉर्ट होता और क्यू ए को हम कनेक्ट करते इसको क्लॉक देने के लिए, और वो फ्लिप फ्लॉप, सॉरी ये ए है, वो फ्लिप फ्लॉप जो है एक्स होता, तो एक्स के लिए कैसा बनता, यहाँ ये ट्रिगर करता और यहाँ ये ट्रिगर करता, टॉगल होता उस कंडीशन में। तो यहाँ जीरो है, यहाँ अपन होगा, बनी रहेगा और यहाँ फिर जीरो में जाएगा। तो मान लीजिए ये टाइम टी सी है, तो इसका टाइमिंग क्या होगा, टू टी सी, इसका फोर टी सी, इसका एट टी सी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, होप ये आपको असिंक्रोनस डाउन काउंटर पॉजिटिव ट्रिगरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।